देखिए बात सिंपल सा है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है। मैं दो रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। एक मेरे पास एल्कीन है, कोई कैटलिस्ट नहीं है, मैं एच टू की बात कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और एक मैंने कोई कैटलिस्ट ले लिया लाइक निकल, पैलेडियम, कुछ भी, और प्लेटिनम, तो भी यही बनना है। ये जो मेटल है एक्टिव मेटल कहलाएंगे। ये कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, ईए। तो ईए आपके लिए क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो अगर यहां पर आप कर्व देखोगे तो कुछ इस तरह की एनर्जी कर्व होगा, जबकि यहां कर्व देखोगे तो कुछ इस तरह की एनर्जी कर्व होगा। तो क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी ईए डैश कम है या नहीं है? हाँ है। तो कैटलिस्ट कहीं ना कहीं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, समझ में आ रहा है? तो जब एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन फास्ट होगी यहां, और वो बहुत स्लो या नहीं होगी रूम टेम्परेचर पे। तो यहां रिमार्क क्या डालेगा, नॉट पॉसिबल और स्लो एट रूम टेम्परेचर। जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर। वेरी स्लो। तो ये रहा आपके लिए रिडक्शन। देखिए हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिडक्शन में एक एक करके हम बहुत सारी चीजें देखने चाह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशंस रिडक्शंस। तो ये एक तरह से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रही है सीधी सीधी। तो हाइड्रोजन कब ऐड हो सकती है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो पाई बॉन्ड हो, समझ में आ रहा है, या कोई ऐसा ग्रुप हो जो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो सके। पहले से ही हाइड्रोजन हो तो रिप्लेस करने की कोई जरूरत ना पड़े, नहीं होगी। तो अब मैंने ग्रुप को दो तरह से डिवाइड कर दिया, यहाँ ऐड हो सकता है, यहाँ ऐड हो सकता है, यहाँ ऐड हो सकता है। पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सब में पाई बॉन्ड है, इनमें भी पाई बॉन्ड है, लेकिन मैंने इनको अलग रखा है। ये वो हैं जो हाई रिएक्टिव है, और किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो ये आसानी से रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूस्ड बाय कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। और ये वो ग्रुप है जो कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन नहीं हो पाते हैं, नॉट रिड्यूस्ड। बाय कैटेलिटिक हाइड्रोजन। ये हमारे पास रहा इन दोनों के लिए छोटा सा पॉइंट। तो अब आपको एक मोटा मोटा समझ में आ गया कि इसका हम रिडक्शन कर सकते हैं कैटेलिटिक हाइड्रोजन से। एसिड हैलाइड है, नाइट्रो एल्केन है, एल्काइन है, एल्कीन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, नाइट्राइल है, या आइसोनाइट्राइल भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ वो ग्रुप हैं जो नहीं हो पा रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, एमाइड है, ये रिड्यूस नहीं होते। तो कहीं ना कहीं इनके रिड्यूस नहीं होने के पीछे क्या रीजन है कि ये हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिव कम है, क्यों है? क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड है वो परमिट नहीं देता, पूरा रेजोनेंस बहुत प्रॉपर तरीके से हो रहा है,
तो डीबीसी इस जगह भी है, इस जगह भी है, समझ में आ रहा है? तो इतनी आसानी से वो बॉन्ड मूवमेंट की वजह से कोई भी जगह वो एक तरफ स्थिर नहीं है और इस तरह से हाइड्रोजनेशन नहीं दे पा रहा है प्रॉपर तरीके से। हम अलग तरह से कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो जो कर सकते हैं उनका रिडक्शन कैसे होगा? आप H2 निकल, इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। पीडी पैडमियम है, सी का मतलब ग्रेफाइट पाउडर है साथ के साथ, जो इस पीडी को एक्टिव बनाएगा। प्लेटिनम के लिए जरूरत नहीं, ऑलरेडी एक्टिव है। निकल ऑलरेडी एक्टिव है। अब अगर आपके पास सीएल एसिड हैलाइड है तो बनना तो सीएल को हटा दो और पाई बॉन्ड को हटा दो। कुल मिला के हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल, समझ में आ रहा है? अल्कोहल बनेगा। इसका मतलब अल्कोहल भी आगे फर्दर रिड्यूस नहीं हो पाएगा कैटेलिक हाइड्रोजन से। अल्कोहल किसमें रिड्यूस हो सकता था? एल्केन में। तो इसका मतलब आरओएच भी रिड्यूस नहीं हो पाएगा। आरओएच, आरएनएच2, इनका रिडक्शन नहीं कर सकते, सही है? तो देखते हैं आरएनओ2 किसमें चेंज हो जाएगा? आरएनएच2। अब आगे फर्दर रिडक्शन होगा नहीं। एल्काइन है, एल्कीन में होगा क्योंकि एल्कीन का भी रिडक्शन हो सकता है, तो लास्ट में क्या बनेगा? एल्केन। यहां एल्डिहाइड कीटोन है, एल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। तो जब ये एल्कोहल में चेंज हो गया, ये मैंने एल्कोहल ही चेंज किया है, ये हमारा एल्कोहल बन गया। अगर एल्डिहाइड लेंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन ले लेंगे, सॉरी एल्डिहाइड ले लेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन ले लेंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल तो आपको मिलने से रहा नहीं, मिलेगा। यहां आपने नाइट्राइल ले लिया तो 1 डिग्री अमीन, और अगर आपने आइसोनाइट्राइल ले लिया तो 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। तो कितना आसान है आपको कैटालिटिक रिडक्शन याद करना, बहुत आसान है, अच्छे समझ में आ गया। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो अब इनमें कुछ मेन कैटलिस्ट हमारे पास हैं, कुछ नेम रिएक्शन भी बन जाती है, तो उन नेम रिएक्शन को हम अलग से पढ़ लेंगे। और दूसरा पॉइंट है, ये जितने भी एडिशन होते हैं ये सिन एडिशन होते हैं। सिन एडिशन का मतलब सीधे अटैच होना। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये आपके पास कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये मेटल है, मेटल प्लेट है, समझना, जो कैटलिस्ट है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है आपके पास। सही है? धीरे धीरे ये बॉन्ड वीक होगा, ये भी होगा, और एक कॉम्प्लेक्स सा बन जाएगा, समझ में आ रही है बात? तो जब ये इसके साथ अटैच होगा तो एडिशन कैसा होगा? सिन या ट्रांस? सिन, पक्का, डायरेक्ट एक साथ दोनों तरफ अटैचमेंट होगा। ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, ये वाला टूटेगा और ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरह से ये शिफ्ट होंगे। तो जब ये हाइड्रोजन अटैच हो रहा है तो इस बात का फर्क पड़ेगा कि ये वाला इस हाइड्रोजन को रिपल्शन कम से कम करे। तो यहां पर आप क्या देखेंगे रिडक्शन में, कौन आसानी से रिड्यूस होगा, एल्कीन या एल्काइन? एल्कीन, क्योंकि एल्काइन, गलत बोल रहे हो, एल्काइन में रिडक्शन आसान होगा क्योंकि मोलर लीनियर है, रिपल्शन स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? कम होगा। भाई यहां पर कोई कार्बोकेटायन एनायन तो बन नहीं रहा, तो रिएक्टिविटी रिडक्शन के लिए एल्कीन और एल्काइन में एल्काइन की रिएक्टिविटी क्या होगी? आसानी से होगी, ज्यादा होगी, कुछ समझ में आया? जबकि इससे पहले जो आपने हाइड्रोलिसिस वगैरह पढ़े हैं मेरे से, उसमें उल्टा था। उसमें क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी भी देखी जाती है। यहां कोई कार्बोकेटायन बन ही नहीं रहा, ना कोई रेडिकल बन रहा है, ना कोई कार्बो एनायन बन रहा है, तो हमें स्टेबिलिटी किसकी देखनी है? किसी की नहीं देखनी, हमें क्या देखना है यहां पर, सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैंने बताया ऑल एडिशंस आर सिन एडिशन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, खत्म, लिख लीजिए। हम बात कर रहे हैं कैटालिटिक
हाइड्रोजनेशन रिडक्शन में नेम रिएक्शन जो फेमस हो गई, उसमें दो रिएक्शन बहुत ज्यादा फेमस हुई है, एक लिंडलार कैटलिस्ट या लिंडलार रिएक्शन हम नाम से जानते हैं और दूसरा रोजनमुंड। दोनों में ही क्या रहा है, पहले हम बात करते हैं लिंडलार कैटलिस्ट रिएक्शन। इसके आपके पास एल्काइन है, एल्काइन सिस और ट्रांस नहीं होती है क्योंकि यहां पर एक ही वैलेंसी है। तो अगर मैं ये मिथाइल को इस तरह लगा देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, तो भी इसका कोई फर्क नहीं होता, समझ में आता है, सिस और ट्रांस नहीं होती है। लेकिन एडिशन सिन एडिशन होता है, तो एडिशन कौन सा होगा, ये एडिशन क्या होगा, सिन एडिशन। तो जब एडिशन कर रहे हो आप, तो दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो यहां पर आपको किस तरह की एल्कीन देखने को मिलेगी, सिस या ट्रांस, सिस एल्कीन। तो मैं आपको एक दो चीजें बोलना चाहूंगा, इसका फर्दर रिडक्शन रोकना है मुझे, बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं करना है। अगर मैं सिर्फ H2OPD ले लेता, क्यूनोलिन नहीं लेता, तो ये आगे और रिड्यूस हो जाती और एल्केन बना लेती, फिर तो सिस और ट्रांस का कोई फर्क ही नहीं रहता। लेकिन ये यही रोकना है हमें, बस एक स्पेसिफिक रिडक्शन हमें करना है। तो अब यहां दो बातें आ रही है, एक तो क्यूनोलाइन का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है क्यूनोलाइन, समझ में आ रही है बात। तो ये क्यूनोलाइन हमारे पास हो गया, तो अब इसकी डेफिनेशंस क्या होगी, इन प्रेजेंस ऑफ H2PdCaCO3 क्यूनोलाइन गिवन एल्काइन कन्वर्ट इट सिस एल्कीन इज कॉल्ड लिंडलार रिएक्शन एंड कैटलिस्ट कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट लिंडलार है इसलिए लिंडलार रिएक्शन कहलाएगी, लेकिन इसकी जगह Ni2 बोरोन भी ले सकते हो, लेकिन ये बहुत महंगा है, हम यही यूज करेंगे और हमारे सिलेबस में यही है लिंडलार। तो मैं आपको फिर बोलना चाहता हूं, कोई भी एल्काइन हो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, और एल्कीन मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट सिन सिस एल्कीन। ये तो ये आप लिख सकते हो, फाइनल प्रोडक्ट सिस एल्कीन ही मिलेगा। क्या आपको ट्रांस एल्कीन मिल सकता है क्या, इसमें है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, एल्काइन है और एल्काइन सिस और ट्रांस होती नहीं है, तो आपको यही चीज समझनी है। इज दैट क्लियर। कैटलिस्ट चेंज कर दोगे आप, आपका नाम भी चेंज हो जाएगा रिएक्शंस का, आपने वही लिया, बस कैल्शियम कार्बोनेट की जगह आपने क्या ले लिया, बेरियम सल्फेट ले लिया, पक्का। तो जब आपने बेरियम सल्फेट ले लिया, तो अब आपके लिए ये क्या कहलाएगा, रोजनमुंड रिडक्शंस। ये भी एक सेलेक्टिव रिडक्शन का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, सेलेक्टिव रिडक्शंस का। तो ये हमारे लिए सबसे पहले आया आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल के लिए, रिडक्शन के लिए। अगर नॉर्मल हम ये ले लेते तो ये फाइनली किसमें कन्वर्ट होता, अल्कोहल में, अगर सिर्फ H2 और PD ले लेते, लेकिन क्योंकि क्यूनोलाइन ले लिया तो एक लिमिट तक रिडक्शन होता है, उसके बाद बेरियम सल्फेट और क्यूनोलाइन क्या करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट का, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करते हैं, ये उसको रिड्यूस करता है RCOH HH, और ये फर्दर नहीं, बस एक बार, ये फर्दर अल्कोहल में ना चेंज हो, इसके लिए आप ये मिलाते हो, बेरियम सल्फेट एंड क्यूनोलाइन। आ गई बात समझ में, तो यहां तक तो आपका काम करता है H2PD, और ये ना हो इसके लिए काम करता है बेरियम सल्फेट क्यूनोलाइन।
अगर आप ये नहीं लेते तो फाइनल आपका क्या बनता है? अल्कोहल। आपको समझ में आ गया? तो ये आपके लिए कहलाएगा रोजेनबर्न रिडक्शंस, ये आपके लिए कहलाएगा लिंडलार रिडक्शन या लिंडलार कैटलिस्ट रिडक्शंस। लिखो दोनों को।